नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत फाइनेंस कंपनी के बारे में। अगर आप भारत फाइनेंस कंपनी से महिला समूह लोन चला रहे हैं और उसका किस्ती जो ईएमआई जो है वो ग्रुप में जाकर के जमा करते हैं और उस कंडीशन में आप सोचते हो कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट इसका कर दे, ग्रुप में जाना ना पड़े, तो वो दोस्तों सुविधा हम आप लोगों को बताने वाले कि वो आप पेमेंट जो वो कैसे करोगे ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू। अगर दोस्तों इस वीडियो को प्ले कर दे तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो अच्छे की बात है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो को प्ले कर दियो तो एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कहीं इमरजेंसी में घर से बाहर निकल जाते हो और उस दिन आपका किस्ती पकड़ा जाता है तो उस दिन प्रॉब्लम हो जाता है, आपको कॉल जाता है बार बार कि पैसा भेजो जल्दी ग्रुप में, ठीक है। अगर आप किसी को पैसा देकर के आ जाते हो तो अच्छा की बात है, अगर नहीं देते हो तो वहां पे क्या होता है कि जो भी महिला ग्रुप में रहती है उन लोगों को पैसा जमा करना पड़ता है आपका दूसरे दिन आपके दरवाजे पे कि हमारा पैसा हम आपका भरे हैं तो हमको दे दो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं फंसे हुए हो और आप उसी दिन आपका किस्ती पकड़ा गया तो उस कंडीशन में आप जो है कि ऑनलाइन ही पेमेंट अपना खुद का जो है कि लोन आईडी डाल करके जो कि आप अपना खुद पेमेंट अपना खुद से कर सकते हो। तो इस तरीका से आप जो है प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को आपको करना कैसे है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रोसेस जो है वो हम आपको लैपटॉप से और मोबाइल फोन से दोनों से बताएंगे, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा बन जाए, तो बट आप लोग देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम आपको सारा कुछ वहां पे बताते हैं। जब आपको लोन मिलता है तब आपको जो कुछ इस प्रकार से पासबुक मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इस पासबुक को उल्टाते हैं और उसके बाद जो आपको कुछ इस प्रकार से पेज जो है यहाँ पे दिख जाता है जिसमें आपका इसमें लिखा रहता है इस साइड में जो कि आपका किस्ती कितना भरना है, कितना किस्त भरना है हमें, ठीक है, और कितना भरना है, कितना रुपया भरना है वो आपको इस साइड में लिखा रहता है। साथ में आपका जो है इंटरेस्ट आपका यहाँ पे घटते जाता है, जो भी आपका लोन अमाउंट रहता है यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा रहता है, इंटरेस्ट वगैरह सब भी लिखा रहता है, ठीक है, जो भी अमाउंट सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है। अब दोस्तों अब आपको जो कि इसके द्वारा आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो चलिए हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ऊपर कर देते हैं हम। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मेंबर आईडी करके यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो है ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम सिक्योरिटी के लिए थोड़ा यहाँ पे हम हाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है कि मेंबर आईडी लिखा रहता है, इस आईडी को आपको नोट करके रख लेना, ठीक है। इसी आईडी से आप जो कि हम ऑनलाइन द्वारा पेमेंट करेंगे। तो चलिए ये चीज आपको हम बता दिए हैं, अब इसको आप नोट करके रख लीजिएगा या फिर इसको आप याद भी कर सकते हैं, अन्यथा इसका फोटो खींच के आप अपना फोन में रख सकते हैं। अब चलिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम अपना पीसी में जो है यहाँ पे अपना जो है पेटीएम लॉगिन कर लिए हैं। अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो अच्छा की बात है, देखिए हम दोनों से बताएंगे, दोनों में फर्क क्या है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब पीसी से बतला रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रीजन होगा और फोन से बतला रहे हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आप समझ जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसमें बतला रहे हैं अगर आपको पेमेंट करना है तो आप फोन से अच्छा तरीका से कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ हम बताएंगे आपको। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑल पेमेंट के यहाँ पे ऑल पेमेंट सर्विस है, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको लोन, यहाँ पे लोन है, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है तो आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने के बाद जो है कि अब आपको यहाँ पे अपना नाम मतलब भारत फाइनेंस का जो है, भारत फाइनेंस को पेमेंट कर रहे हैं तो भारत फाइनेंस हमें टाइप करना है। यहाँ पे जैसे हम टाइप कर दिए हैं, टाइप करने के बाद जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लाइंट आईडी मांगा जा रहा है। अब क्लाइंट आईडी में आपको क्या डालना है, जो भी आपको हम यहाँ पे दिखाए हैं ये वाला, ठीक है, ये मेंबर आईडी, यही आईडी जो है अब आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम डाल दिए हैं, थोड़ा सिक्योरिटी के लिए इसको ब्लर कर दिए हैं। यहाँ पे क्लाइंट आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है पे, तो गेट पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि आपका नाम जो दिखा देगा, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम ब्लर कर दिए हैं, यहाँ पे जो कि सब कुछ दिखा देगा आपको। और देखिए यहाँ पे चेक करने से ये फायदा होगा, आप जैसे ऑफलाइन किस्ती जमा करते हो, ठीक है, ऑफलाइन किस्ती जैसे जमा करते हो तो वहां पे जो कि अगर आप सिस्टम से चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्यू अमाउंट विथ एरियर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एरियर मतलब जो कि अगर आप पैसा जमा कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यू अमाउंट विथ एरियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा जो है एरियर दिखा रहा है कितना अमाउंट, ठीक है, हम किस्ती जमा कर रहे हैं तब पर भी मेरे ऊपर इतना का गिराने गिर चुका है, तो ये हम कंप्लेन करेंगे तो ये मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिस्टम से अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको ये फायदा मिलेगा कि आपके ऊपर एक भी रुपया का गिरानी है या नहीं है, ये चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किस्ती कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपको जो कि प्रोसीड टू पे करना है, उसके बाद आगे आपको पेमेंट कर देना है। तो पेटीएम अगर आप चलाने के लिए जानते हैं तो कैसे पेमेंट करना है वो चीज आपको पता होगा, तो आप जो है क्या कीजिएगा, इसको आसानी से आप पेमेंट इसमें
कर दीजिएगा। ये चीज हो गया, चलिए आपको हम फोन से बतला देगा आपको फोन से पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए फोन से भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे आप पेटीएम ओपन कीजिएगा आपको ऊपर में सर्च बार दिख जाएगा, आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है लोन, ठीक है, केवल आपको लोन लिखना है। जैसे आप लोन लिख दोगे तो आपको यहाँ पे लोन वाले ऑप्शन पे फर्स्ट वाला पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, इसको थोड़ा सा लेने देते हैं। अब जो है कि आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख देना है कि जो कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम भारत फाइनेंस को कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारत फाइनेंस लिख दिए और इसको यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे क्लाइंट आईडी मांगा जा रहा है, तो क्लाइंट आईडी जो भी है वो हम क्लाइंट आईडी इसमें क्या करेंगे डाल देंगे। डालने के बाद जो यहाँ पे निक नेम मांगा जा रहा है, ये ऑप्शनल है, अगर मेरा इच्छा है डालने का तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं मन कर रहा है डालने का तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्लाइंट आईडी डाल देते हैं और उनके बाद जो है अब आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लाइंट आईडी डाल चुके हैं, अब यहाँ पे नाम मांगा जा रहा है, तो हम नाम यहाँ पे ऑप्शनल है, नाम को छोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन है, नीचे हम जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, सॉरी, इसके लिए हम चाहते माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों नहीं हो पाया। बस यहाँ से प्रोसेस कुछ है नहीं, नीचे में आपको यहाँ पे का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका ईएमआई दिखाएगा वो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका जो है वो पेमेंट आपको आसानी से कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। दोस्तों फ़ोन से जो कि आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, केवल पेमेंट का ही सीन आपको नहीं दिखा पाए और बाकी बात जो है वो चीज़ आपको हम दिखा ही दिए। तो दोस्तों आप जो है कुछ इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो अपना फोन से या फिर पीसी अगर आपके पास है, तो दोनों से हम दिखाई दिए कि दोनों में क्या फर्क है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार भेज के तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर लोन से रिलेटिव जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, जाकर के देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे।